राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर विद ग्रीन्स फंक्शन एंड ऑल्सो वी फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रीन फंक्शन ऑन अ ग्राउंडेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये अपन ने क्या किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो अगर मैं फर्दर मूव करता हूँ अपने इस टॉपिक में, तो हमारे पास में अभी यूनिट कौन सी चल रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही यूनिट चल रही है फिलहाल। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है क्या, जो लास्ट अपन ने टॉपिक पढ़ा ना ग्रीन फंक्शंस वाला, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो ग्रीन फंक्शन पढ़ा था, उसका एक एप्लीकेशन आता है कि कंडक्टिंग स्फीयर विथ टू हेमिस्फीयर एट डिफरेंट पोटेंशियल, विथ टू हेमिस्फीयर एट डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। अपने को पता लगाना है कि भाई टू डिफरेंट जो अपने पास में पोटेंशियल है उसके लिए हेमिस्फीयर की वैल्यू, वो सॉरी हेमिस्फीयर पे अगर टू डिफरेंट पोटेंशियल हो तो उसकी वजह से अपने पास में टोटल पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, ये अपने को पता लगाना है इस टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लेता हूं कि अपने पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, ठीक है। ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने क्या किया, एक इंसुलेटेड रिंग से काट दिया, जस्ट लाइक दिस। ये एक इंसुलेटेड रिंग मैंने इसके अंदर क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। तो ये इंसुलेटेड रिंग क्या करेगी, इसको दो हेमिस्फीयर में तोड़ देगी, ठीक है। ये देखो, ये रिंग है एक, जो मैंने इसमें व्हाइट कलर से डिनोट कर रहा हूं। ये रिंग क्या करेगी, इस हेमिस्फीयर वो सॉरी स्फीयर को, जो कंडक्टर है अपने पास में, कंडक्टिंग स्फीयर जो है, इस स्फीयर को क्या करेगी, दो हिस्सों में तोड़ देगी। और वो जो दोनों हिस्से होंगे ना इसमें, वो कैसे होंगे, हेमिस्फीयर शेप के अंदर, दोनों ही अपने पास में कैसे शेप के होंगे, वो हेमिस्फीयर के अंदर होंगे। इस तरीके से अपन ने इस रिंग को क्या करना है, इंसर्ट करना है, ताकि आपके पास में जो स्फीयर है ये दो हेमिस्फीयर के अंदर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये अपन ने इसको कर दिया। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूँ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने पहले पढ़ा, ये सेंटर था इसका, एक मिनट, ये इसके सेंटर से एक ये लाइन जाएगी, एक ये लाइन जाएगी और एक ये लाइन जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा अपने पास में y और ये हो जाएगा z, ठीक है। और डिफरेंट पोटेंशियल की बात हो रही है कि मैं इसको मान लेता हूँ, जो ऊपर वाला कंडक्टर है ना अपने पास में, ये सॉरी ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, कंडक्टर तो पूरा यही है, ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है ये अपने किस पर है, प्लस वी पोटेंशियल पर, और ये जो अपने पास में नीचे वाला है ये किस पे है, माइनस वी पोटेंशियल पर, ठीक है। ये अलग अलग पोटेंशियल पर, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पर अपन इसको क्या कर रहे हैं, स्टडी करेंगे। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है जो अपन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक मिनट, लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था, अगर मैं सरफेस आर तक की बात करूं तो ये एंगल अपने पास में थीटा डैश आ रहा था, जब अपन पॉइंट पी पर निकाल रहे थे, पॉइंट पी पर नहीं था शायद, वो पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, जब अपने पास में पॉइंट चार्ज था ना, तो पॉइंट चार्ज में अपन थीटा डैश को ही तो अपन क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे, थीटा डैश की वैल्यू को ही अपन क्या कर रहे थे, वेरी करवा रहे थे, ठीक है। और जो पोटेंशियल वाला जो अपन ने एंगल ले रखा था वो थीटा ले रखा था, वो पोटेंशियल वाला जो एंगल था जो पी पॉइंट पर निकाल रहे थे वो थीटा था, और जो पॉइंट चार्ज था वो कितना था, थीटा डैश, तो ये वेरी कर रहा है अपने पास में, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो हेमिस्फीयर होगा इस हेमिस्फीयर के अंदर 2π से कोई चेंज होगा क्या, नहीं, 2π से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो हेमिस्फीयर भी 0 to 2π घूमता है। फर्क कहाँ पड़ेगा कि जब आपके पास में वैल्यू 0 से लेके π/2 तक आएगी तो पोटेंशियल क्या रहेगा अपने पास में, प्लस वी, और जैसे ही π/2 से आगे जाओगे पाई तक थीटा डैश की वैल्यू, तो फिर अपने पास में कितना पोटेंशियल आ जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। तो ये अपने पास में डिस्कशन करना है, चलो तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर
कंसिडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर सच दैट अ इंसुलेटेड रिंग inserted in conductor and it divide spherical conductor in two parts of hemisphere the upper half of hemisphere The upper half of hemisphere is at plus V potential and lower half at minus V potential. ये अपन ने क्या कर लिया, इसको लेट वगैरह कर लिया, ठीक है. सो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वगैरह वगैरह वही लिखना है अपने को. यूजिंग ग्रीन्स फंक्शन द पोटेंशियल मान लेते हैं फाई है, इज गिवन बाय फाई अपन ने कल निकाला था कितना था, 1/4π है ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर अपने पास में कितना आ रहा था वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास में एक फाई चल रहा था साथ में, और अपने पास में ये फाई चल रहा था जो कि अपने पास में फंक्शन था किसका, लिख देता हूँ क्योंकि ये फाई और ये फाई में फिर तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे. ये अपने पास में आर थीटा डैश और फाई डैश का फंक्शन था, ये एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर साइन थीटा डैश डी थीटा डैश, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में डी फाई डैश ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr और ये कॉस गामा इसकी पावर 3/2. ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा. यहाँ पे ना मैंने शायद हो सकता है कि प्रीवियस लेक्चर में यह आर स्क्वायर करवाया हो, उसको आर कर लेना क्योंकि बेटा एक आर यहाँ पे भी आएगा. ये आर स्क्वायर इस तरीके से करवा दिया होगा वहाँ पे, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मुझे थोड़ा सा रिमेम्बर हो रहा है कि वहाँ पे मैं साइड आर लिखवाना अपने को अपने क्या रहा ध्यान में नहीं आया, तो वो आर से एक आर कैंसिल कर जाएगा, ठीक है. तो ये मैं पहले लिख दिया हूँ, थोड़ा सा बता भी दिया है. ये हो गया अपने पास से फाई, ये तो अपन ने लेट वगैरह कर लिया. अब इसको ओपन कर देते हैं, ये सरफेस के ऊपर है क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस के ऊपर चल रहा है. तो अब अपने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो फाई देखो कितना हो जाएगा अपने पास में, 1/4π और ये इंटीग्रेशन जाएगा 0 से 2π और एक जाएगा अपने पास में 0 to π और यहाँ पर वैल्यू रहेगी अपने पास में फाई आर थीटा डैश फाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आर साइन थीटा डैश डी फाई डैश ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr कॉस गामा इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2. एनी प्रॉब्लम, ठीक है. तो एक बार बताओ यहाँ पर ये जो फाई है ये तो अपने को गिवन है प्लस वी और जो अपने को दे रखा है अपन ने पोटेंशियल मान लेना, तो इसका मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड कितना गिवन है अपने को वी गिवन है, ठीक है. तो ये तो अपने को गिवन है, तो एक काम करो कॉमन ले लो. देखो आर कॉमन आ रहा है, आर जो है कॉमन मतलब इन द सेंस कि ये इसमें कांस्टेंट है. अपने पास में इंटीग्रेशन साइन थीटा डैश डी थीटा डैश और डी फाई डैश इनमें ही होगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा, ठीक है. तो इसमें से क्या किया आर को बाहर ले लिया मैंने, आर अपॉन में ये तो कितना हो गया 4π.
अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये भी बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा अपने पास में, 0 टू 2 पाई। अब 0 टू 2 पाई तो अपने पास में किस पे इंटीग्रेट हो जाएगा, डी फाई डैश पर। ये तो इसके अपने पास में लिमिट्स हो गई, और ये हो जाएगा 0 टू पाई, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा फाई आर थीटा डैश फाई डैश, और यहाँ पर कितना बचेगा ये साइन थीटा डैश डी थीटा डैश ओवर, यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास में ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr cos गामा, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू बचेगी। अब एक बताओ इसको सॉल्व करो, और ये कितना दे रखा है, ये v दे रखा है अपने को, तो v को भी बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा वी आर ओवर 4π, और ये यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π, और ये हो जाएगा 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू अपन ने बाहर ले ही ली है, वी साइन थीटा डैश डी थीटा डैश ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr कॉस गामा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ये हो जाएगा अपने पास में, सिंस यहाँ मैं लिख देता हूँ जो अपने पास में फाई आर थीटा डैश फाई डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो गई v, ये अपने v में आन रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन ने कितनी ले रखी है, v ले रखी है, ये ऑलरेडी अपने पास में कॉन्स्टेंट पोटेंशियल्स पे रखे हुए हैं। तो ये अपने पास में आ जाएगा, अपने पास में क्या इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब अपने को ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वाइट बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको थोड़ा ईजी फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ईजी फॉर्म में कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और इसी में, हाँ इसी में एक पॉइंट और आ जाता है आगे अपने पास में, ये जो फाई होगा ना ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है, एक तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर पर है और एक किस पर है, नीचे वाले हेमिस्फीयर पर है। अच्छा 2π से और ये कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 बचेगा अपने पास में, ये तो 2 बचा। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में एक तो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा डैश डी थीटा डैश ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr कॉस गामा, इसकी पावर 3/2 प्लस, फिर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पाई बाई 2 से लेके पाई साइन थीटा डैश डी थीटा डैश ओवर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr कॉस गामा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2। ये लो, तो ये अपने पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने बाई पार्ट तोड़ दी, क्योंकि अपने पास में दो हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है और एक ये हेमिस्फीयर है, इन दोनों के लिए अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। तो चले बढ़े, अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बन रही है अपने पास में इंटीग्रेशन फॉर्म, तो इसको मैं ऐसा सॉल्व कर लेता हूँ इजिली मैथमेटिक्स में। लेट तो क्या ही करना है, सो वी नो दैट, एक मिनट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो अपने पास में डी माइनस की, अगर मैं डी कॉस थीटा डैश करूं, माइनस के डी कॉस थीटा डैश, ये कितना होगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा डैश डी थीटा डैश, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। ठीक है, सिंस अगर थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो कॉस थीटा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा डैश की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, ये कॉस थीटा डैश कितना हो जाएगा अपने पास में +1। अगर थीटा डैश की वैल्यू अपने पास में हो पाई बाई 2, तो कॉस थीटा डैश कितना हो जाएगा 0, कॉस थीटा डैश कितना आ जाएगा 0, और अगर थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाए पाई, तो कॉस थीटा डैश कितना होता है अपने पास में -1। ठीक है, तो ये अपने पास में लिमिट्स भी उसमें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अपने पास में जो पोटेंशियल था वो कितना था, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी वी आर ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर अब इंटीग्रेशन के अंदर अपन ने इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो इंटीग्रेशन में अपने पास में 0 से लेके कहाँ था पहले, पाई बाई 2 पे, तो 0 से लेके पाई बाई 2 पे, तो इसका मतलब है ये 1 से लेके 0 पर जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के डी कॉस थीटा डैश। ठीक है, माइनस के डी कॉस थीटा डैश, ये वैल्यू आ जाएगी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr माइनस के 2xr कॉस गामा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में 3/2। आगे फर्दर मूव करते हैं,
अब यहां पर अपने पास में प्लस, यहां पर लिमिट कहां से कहां तक थी, पाई बाई टू से लेके कहां पे जा रही है, पाई पर, तो पाई बाई टू से पाई पे कहां पे जाएगी, जीरो से लेके माइनस वन पर। यहां पर कितना हो जाएगा, ये माइनस के कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा डैश, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर, और ये हो जाएगा कॉस गामा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, थ्री बाई टू। ठीक है, फर्दर अगर सॉल्व करते हैं इसको तो देखो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर ओवर टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मैं इसके लिमिट्स को रिवर्स कर देता हूँ, 0 टू 1 ये हो जाएगा डी कॉस थीटा डैश ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर कॉस गामा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3 बाई टू, और ये अपने पास में माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू माइनस 1, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा डैश, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर कॉस गामा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3 बाई टू। ये इंटीग्रेशन चलेगा, अभी ये इंटीग्रेशन अब अपने को सॉल्व करना है। तो देखो अपने पास में ये लिमिट जा रही है 0 टू 1, और ये लिमिट जा रही है 0 टू माइनस 1, ये लिमिट्स कितनी जा रही है अपने पास में, 0 से लेके माइनस 1 पर, और ये जा रही है 0 से लेके 1 पे। तो इस लिमिट को मैं सेम कर लेता हूँ, इस लिमिट को सेम करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। नाउ लेट लेट थीटा डैश इक्वल्स टू कितना आ जाए अपने पास में, पाई माइनस के थीटा डैश, और फाई डैश कितना हो जाए, पाई प्लस के फाई डैश, ये मैंने कंसीडरेशन में कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो कॉस गामा जो होगा ना अपने पास में, वो कितना हो जाएगा, माइनस के कॉस गामा के इक्वल हो जाएगा, और ये जो लिमिट्स होती हैं ये क्या हो जाएंगी अपने पास में, चेंज हो जाएंगी, आप पुट करके देख लेना। ठीक है, बस अपने को ध्यान रखना है ये चीज़ें मैथमेटिक्स में, आप पुट करके देख लेना, यही चीज़ होगा अपने पास में। तो फाई कितना हो जाएगा अपने पास में, वी आर ओवर टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी अपने पास में, अब कितना आ जाएगा ये, 0 टू 1, पूरी लिमिट अपने पास में 0 टू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर, मैंने इसके अंदर चेंज किया है, यहां माइनस कॉस गामा मत कर देना, यहां माइनस कॉस गामा होगा, इस इंटीग्रेशन के अंदर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं वापस बता रहा हूं ये चीज, ये कॉस गामा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा वो, प्लस टू एक्स आर कॉस गामा, इसकी पावर कितनी हो गई, 3 बाई टू माइनस के, और यहां पर इसके ऊपर लिमिट किसकी लगी हुई है, डी कॉस थीटा डैश। ठीक है, डी कॉस थीटा डैश के अपने ऊपर क्या लगी हुई है, इस पर लिमिट लगी हुई है। अब ये चीजें सॉल्व करनी है अपने को। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये चीज अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ठीक है, हियर कॉस गामा हैज थीटा डैश थीटा फाई एंड फाई डैश एंगल, सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में। सो लेट पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ऑन जेड एक्सिस, अगर मैं जेड एक्सिस पे पोटेंशियल लेता हूँ, जो कि अपन ने पी पॉइंट पे निकाला था लास्ट क्लास के अंदर, पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकाला था उसको जेड एक्सिस पे ले लेते हैं, देन जो अपने पास में जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो कितनी आ जाएगी, जीरो। तो बेटा वो जो कॉस गामा वाला रिलेशन था ना अपने पास में, कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस थीटा डैश, ठीक है, बस कितना था, साइन थीटा डैश, और यहाँ पर कितना आ गया था अपने पास में, कॉस फाई माइनस फाई डैश, ये वैल्यू थी अपने पास में। इसमें अगर थीटा डैश थीटा को जीरो कर दोगे तो अपने पास में देखो कॉस गामा कितना बचेगा, कॉस गामा की वैल्यू कॉस थीटा डैश ही रह जाएगी खाली, सर बाकी और सारी चीज़ें अपने पास में हट जाएंगी। तो अपने पास में फाई कितना हो जाएगा, ये वी आर ओवर टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये अंदर की तरफ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू लेके 1। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2xr, और ये हो जाएगा कॉस गामा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पर अपने पास में कितना आ जाएगा, ये कॉस गामा की जगह कितना आ जाएगा, कॉस थीटा,
कॉस थीटा डैश, और ये कितना हो जाएगा, जीरो से लेके वन, पूरा ही तोड़ लेते हैं, जीरो से लेके वन पे टूटा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एक्स आर कॉस थीटा डैश, इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2, और लिमिट्स किसकी हैं, डी कॉस थीटा डैश, लिमिट्स किसकी चल रही हैं, डी कॉस थीटा डैश की चल रही हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस थीटा डैश पर ही है अपने पास में, ये सारा का सारा, और डी कॉस थीटा डैश जो अपने पास में है, ये अपने पास में एलिमेंट है डी कॉस थीटा डैश, इसी पे तो इंटीग्रेट करना है, अब आसानी से हो जाएगा। एक काम करो, इसको कुछ लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर कॉस थीटा डैश, इसको मैंने टी स्क्वायर लेट कर लिया, ठीक है, या टी वन स्क्वायर ले लिया, इसको टी टू स्क्वायर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एक्स आर कॉस थीटा डैश, इसके वैल्यू को मैंने कितना ले लिया, टी टू स्क्वायर, ठीक है, टी टू स्क्वायर ले लिया इसको। तो इन वैल्यूज को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एक बार बताओ ये कितना आ जाएगा, माइनस के टू एक्स आर डी कॉस थीटा डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू टी वन डी टी वन। सिमिलरली ये कितना बचेगा, टू एक्स आर कॉस थीटा डैश, और ये कितना हो जाएगा, टू डी टू डी टी टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक मिनट, ये कितना बचेगा, एक्स आर डी कॉस थीटा डैश, तो यहाँ से डी कॉस थीटा डैश की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास में, टी टू डी टी टू अपॉन में कितना बचेगा, ये एक्स आर। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, डी कॉस थीटा डैश, ये कितना आ जाएगा, टी वन डी टी वन अपॉन में एक्स आर, ये माइनस की हो जाएगा। इन वैल्यूज को अपने को क्या करनी है, पुट कर देनी है, तो अपने पास में फाई कितना होगा, ये फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर ओवर टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास में उसको लिमिट्स को मैंने वापस से अलग अलग कर देते हैं, तो ये अपने पास में माइनस वाला जो माना था, यहाँ पे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी वन स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 3/2, और डी इसकी जगह कितना आ जाएगा, डी टी वन अपॉन में माइनस के एक्स आर, ठीक है, ये तो एक तोड़ दिया मैंने, और ये आ जाएगा जीरो से लेके वन, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, टी टू, किसको टी टू माना है, इसी को माना है ना, हाँ टी टू, इसकी पावर माइनस 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा टी टू डी टी टू अपॉन में कितना हो जाएगा, ये एक्स आर, ठीक है, ये अपने पास में इंटीग्रेशन होगा। इस इंटीग्रेशन को तो अब आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, फाइ इक्वल्स टू वी आर ओवर टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर इस वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये देखो कितना आएगा, ये टू से टू कैंसिल, टी की पावर माइनस 3, और ये टी की पावर माइनस 2, और ये एक्स आर को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचेगा अपने पास में माइनस टी की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा डी टी वन, माइनस का रहेगा ना, ये माइनस साइन रह गया, और ये टी वन और ये कैंसिल, ये टी की पावर माइनस 2 वन की, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में, ये जीरो से लेके वन, और ये जीरो से लेके वन, इसकी वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में, टी टू की पावर माइनस 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, डी टी टू, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये वी बाई टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो इसकी पावर का अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखना एक बार, ये हो जाएगा अपने पास में टी वन की पावर माइनस 2 प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जीरो से लेके 1, और एक माइनस बाहर रखा हुआ है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी टू की वैल्यू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 1, और एक माइनस पहले से बाहर रखा हुआ है, इसकी जीरो से लेके लिमिट 1। फाई कितना हो जाएगा अपने पास में, वी ओवर टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास में, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा अपने पास में टी वन की पावर माइनस 1, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 1, और अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस इसकी वैल्यू कितनी बचेगी अपने पास में, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ये टी टू की वैल्यू माइनस 1, और इसकी अपने पास में लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, 0 टू लेके 1।
फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वी ओवर टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अपने पास में ये टी वन कितना था, टी वन कितना था, टी वन था, टी वन की पावर इनवर्स पूछ रहा है ना ये, तो एक बार बताओ अपन ने टी वन स्क्वायर माना था उसको, वहाँ जाके वो अंडर रूट करेगा तो ये बचेगा अपने पास में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर कॉस थीटा डैश इसकी पावर वन बाई टू, यही बचेगा, यही बचेगा अपने पास में, वन अपॉन में हो जाएगा ये अपने पास में टी की पावर माइनस वन आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, जीरो से लेके वन, प्लस अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस ही आएगा ना, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ तो ये वैल्यू कितनी पे पहुँच जाएगा, तो अपने पास में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के टू एक्स आर, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा डैश, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में वन बाई टू, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके वन, और ये खत्म। इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, फाई कितना आ जाएगा अपने पास में वी ओवर टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इन वैल्यूज को अगर अपन वैल्यूज को पुट करते हैं, देखो वन रखोगे कॉस थीटा डैश की लिमिट सही, वन रखोगे तो अपने पास में कितना बचेगा, वन एक्स माइनस आर, सिर्फ एक्स माइनस, हाँ एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा उससे। जीरो रखोगे तो ये कितना बचेगा अपने पास में, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बचेगा। इसको सॉल्व करोगे प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा, वन अपॉन में एक्स प्लस आर, अच्छा यहाँ प्लस है ना, ये प्लस आएगा, ये टी टू वाले में तो प्लस है, और यहाँ पर कितना बचेगा वापस से, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यूज आएंगे अपने पास में। आगे और फर्दर सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू वी ओवर टू एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो इसको तो मैंने अलग लिख दिया, वन अपॉन में एक्स माइनस आर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस आर, इसको तो अलग लिख दिया, ये कितना हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में। अब ये अपने पास में पोटेंशियल आएगा, ठीक है, अपने पास में ये पोटेंशियल आएगा, अब इस पोटेंशियल के अंदर ना अपन कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है अभी भी सॉल्व होने में, तो अपन इसके अंदर अब कंडीशन लगा सकते हैं, कौन सी वाली, कि भाई एक्स जो होगा अपने पास में क्या ले लेंगे अपन, ग्रेटर ग्रेटर देन आर ले लेंगे, तो अगर अपन एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन आर ले लेंगे तो फिर उससे क्या फ़ायदा मिलेगा अपने को, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि अपने पास में ये चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। देखो मैं कर देता हूँ एक बार, ये कितना हो जाएगा, देखो फाई इक्वल्स टू वी ओवर टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका एलसीएम इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, और अपने पास में कितना बचेगा, ये टू एक्स, और यहाँ पर कितना बचा टू, इसमें से एक्स कॉमन ले लो तो ये बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू अपने पास में ये कितना हो जाएगा, वी ओवर टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस के 2 अपॉन में x, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इसकी पावर माइनस वन, ये वैल्यू बचेगी अपने पास में। इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो एक बात बताओ, ये बचा v ओवर 2x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेट जो अपने पास में x जो है वो ग्रेटर ग्रेटर देन r है, तो यहाँ से अपने पास में एक कंडीशन आ जाएगी, वन जो होगा वो आर बाई एक्स से ग्रेटर ग्रेटर देन होगा, तो ये बाइनोमियल लग जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टू बाई एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो ये वन माइनस के आर स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही सॉल्व होगा आगे, ठीक है, माइनस वन जो होगी अपने पास में पावर आगे आ जाएगी। इसको और सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ओवर टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा अपने पास में टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक मिनट, इसमें कहीं मैंने पहले वाली कंडीशन में तो नहीं लगाना है उसको, एक मिनट बेटा, ये अपने पास में सही तो चल रहा है ना, लेट मी वेरीफाई दिस, सही तो चल रहा है, चलो आगे लिखते हैं।
ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 बाई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। फाई कितना आ जाएगा अपने पास में, इसको अंदर अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस के, इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स क्यूब आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v, ये 1 माइनस के, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस के आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। भाई अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अपने पास में वो उड़ जाएगा, ऐसे ही इसमें से वापस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर एक्स, ये 1 माइनस के आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, यही बचेगा अपने पास में। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओवर एक्स, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस आर की पावर 4 अपॉन में एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करने पर यही आएगा ना, हाँ तो बाइनोमियल लगा दिया ना, इसमें बाइनोमियल लगा देंगे इसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसे क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये अपने पास में इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो आर स्क्वायर बाई एक्स, हाँ सही चल रहा है। ये कितना बचेगा देखो, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, ये तो अपने पास में कितना हो गया 0, फाइव इज इक्वल टू कितना बचा v, और कुछ कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस, अब ये आर स्क्वायर ओवर कितना बचेगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये तो एक्स बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एक एक्स तो बाहर आ जाएगा, एक एक्स ऊपर रह जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा ये आर स्क्वायर ओवर कितना बचेगा अपने पास में ये और एक्स, यही बचेगी अपने पास में कंडीशन। ठीक है, एक काम करो, इसमें से एक्स को कॉमन ले लो, ये 1 प्लस, इसमें से x को कॉमन लोगे तो 1 माइनस के आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, यही बचेगा अपने पास में। ठीक है, या फिर इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं अपने, यहीं से अपने पास में अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और सिचुएशन, इसको हटाओ एक बार। एक मिनट, इसको भी हटाओ, अपने पास में ना यहीं से सॉल्व हो जाएगा ना ये, इतना अपन ने क्यों कैलकुलेशन में आगे बढ़ रहे हैं फालतू का। देखो इसको तुम फर्दर अगर सॉल्व करोगे ना बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह लगा के और वो सारा सब कुछ लगा के, तो मैं तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि वो देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़, कोई मतलब नहीं है उसका, अपने को तो ध्यान रखना है ये v बाई टू आर स्क्वायर ओवर कितना बचेगा, ये अपन ने कैंसिल आउट करेंगे ये सब चीज़ें, तो अपने पास में ये आर स्क्वायर रह जाएगा, एक तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे अपन वहाँ से, और ये एक्स क्यूब को भी कॉमन ले लेंगे अपन, तो अपने पास में कितनी वैल्यू बचेगी आर स्क्वायर ओवर अपने पास में इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने पास में अगर अलग अलग हेमिस्फीयर है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो अब आप पीछे स्लाइड करके, मतलब पीछे एक बार करते करते जाने, पीछे करते करते जाओगे तो अपने पास में ये सारा सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा इसको, हाँ सॉरी यहाँ पे 3 भी आएगा ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करोगे ना ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल लिख देना, यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल लगाएंगे अपन तो अपने पास में ये कंडीशन आएगी वापस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, ये अपने पास में कैलकुलेशन होकर आ जाएगा आंसर। यही कंडीशन आएगी, करके देख लेना सॉल्व,
करके देख लेना है एक बार सॉल्व, अपने पास में यही कंडीशन आएगी। अच्छा एक चीज़ हो गई अपने साथ में गलती, अच्छा एक मिनट, एक एक गलती कर ली अपन ने यहाँ पर। ये टू और ये टू कैंसिल होगा और ये टू अंदर जाएगा अपने पास में, ये एक्स क्यूब है ना? नहीं, सही है सही है सही है, ठीक है। तो आप अब इसको एक बार क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना इसमें। देखो कोई अगर मुझे हल्की सी अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक लग रही हो ना तो आप एक बार देख लेना, वेरीफाई कर लेना उस चीज़ को, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई मिस्टेक है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो देखो प्लस माइनस की और उसकी देखो इतना बड़ा डेरिवेशन होता है, हो जाती है कहीं ना कहीं। तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा ना बिठा लेना अपने साथ में। ऐसा भी नहीं है कि भाई अपन जो टीचर कराए जा रहा है अपन उसको लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, नहीं। ऐसी चीज़ें होती है कि भाई देखो सिली मिस्टेक से इंसान से गलतियाँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल ही देखने पर। अगर ऐसा होगा, गलती होगी, तो मैं हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो सबमिट भी दूंगा आपके, कोई प्लस माइनस की गलती हो रही होगी तो। नहीं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, आप तो ऐसे करके डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बायनोमियल अपन ने लगा ही लिया, ये 3/2 अपने पास में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर एक लास्ट टॉपिक और बचा है इस यूनिट का, उसको कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट का क्या करेंगे एंड। राधे राधे।